फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काइन मास्टर में क्रोमा की का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ग्रीन स्क्रीन वीडियो को कैसे एडिट किया जाता है और किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, और ग्रीन स्क्रीन वीडियो के लिए वीडियो को एडिट करने के लिए हमारे पास वीडियो का बैकग्राउंड ग्रीन होना ज़रूरी है या कोई और कलर भी, मिसाल के तौर पर वाइट या और कुछ कलर्स होते हैं जो कि काइन मास्टर में गिवन है, उनकी मदद से हम काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस का निशान होगा न्यू प्रोजेक्ट के लिए, तो इसको दबाना है। उसके बाद हमने एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट करनी है यूट्यूब के लिए, वो 16:9 होती है। तो इसके बाद हमें सबसे पहले हमने वो बैकग्राउंड ऐड करना है जो हम अपनी ग्रीन स्क्रीन वीडियो के बैक में लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है एक पिक्चर, तो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर टिक का निशान लगा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है, जितनी आपकी वीडियो होती है ग्रीन स्क्रीन वाली, और उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर पैन एंड जूम में इसको मुकम्मल तौर पर एडजस्ट कर लेना, और मैं इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर रहा हूँ और एंड पर इसको मैंने एडजस्ट कर लिया। और ये जो बराबर का निशान है इक्वल का, इसको आपने दबा देना है और यहाँ पर टिक के निशान को ओके कर देना है। इसके बाद आपने अपनी ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड करना है, उसके लिए आपने जाना है लेयर के ऑप्शन में। लेयर के ऑप्शन के बाद मीडिया ऑप्शन, और अपनी जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो अपनी सेलेक्ट कर लिया, और इसको मैंने यहाँ पर ये जो चौरस डब्बा बना हुआ है उस पर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको अपने मुकम्मल स्क्रीन में एडजस्ट कर लेना। तो अब हमने इस वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो इसके लिए हमें क्रोमा की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक करना है। वीडियो को क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, और यहाँ पर इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, और नीचे आपके पास क्रोमा की का ऑप्शन होगा। आपने यहाँ पर क्रोमा की को ऑन कर लेना है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको, ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है इसको प्योर वाइट कर लेना है, और जो आपको बैकग्राउंड ब्लैक नज़र आ रहा है उसको मुकम्मल बैक कर लेना है। शो मास्क पे जाकर यहाँ पर मैं जो अपना बैकग्राउंड है उसको फुली ब्लैक करता हूँ। अब यहाँ पर मेरा करीबन फुली बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है, और ये जो वाइट है इसको मैंने कम्प्लीटली वाइट एडजस्ट करना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो मैंने इसको अपना जो बैकग्राउंड है उसको कम्प्लीटली ब्लैक कर लिया, और जो मैं अपना जो वाइट नज़र आ रहा है उसको मैंने कम्प्लीटली वाइट कर लिया। इसको आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करके यहाँ पर टिक कर ओके कर देना है। देख सकते हैं कि फ्रेंड्स आपका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। और इसमें मैं जो आपको बात बताने वाली थी वो ये है कि लाजमी नहीं है कि जो आपका बैकग्राउंड हो वो ग्रीन स्क्रीन ही हो, तो इसके लिए और भी कलर इस्तेमाल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी वीडियो का जो कलर है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा की कलर, तो आप यहाँ पर आप देखें अपनी वीडियो कौन कौन से और कलर हैं। तो ये हमारे पास क्रोमा की रिकमेंडेड कलर्स हैं, और आपकी वीडियो में ये सारे कलर हों या वाइट हो। मिसाल के तौर पर आप किसी दीवार वाइट कलर की दीवार के साथ जो पेंट हुई है उसके साथ आपने अपनी वीडियो बनाई है, शूट की है यूट्यूब के लिए, तो आप यहाँ पर वाइट सेलेक्ट करें, और आपको सब यही सारा प्रोसीजर करने के बाद यहाँ पर आपने की कलर वाइट सेलेक्ट कर देना है, और आपकी वीडियो के पीछे दीवार हट के वो आपका बैकग्राउंड कलर लग जाएगा जो भी आप अच्छा सा लगाना चाहते हो।
तो अब हम वीडियो को थोड़ा शूट करके देख सकते हैं कि हमारी वीडियो कैसी बनी है। देखें अब हमारी ग्रीन स्क्रीन वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, एट द एंड हम इस वीडियो को अपनी जरूरत के मुताबिक क्वालिटी में हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। मैंने क्वालिटी यहाँ पर 720 रखी हुई है और 720 पे मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।